नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा यूसर स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यूसर लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हमारे साथ हमारे मध्य मौजूद हैं हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर विपिन चंद्र जोशी जी। मैं आपका सर स्वागत करता हूं। थैंक यू। आपका स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आपने PhD की है अपनी लखनऊ यूनिवर्सिटी से और उसके बाद आपने अपनी पोस्ट डॉक की है कैलिफोर्निया से। अभी वर्तमान में आप LSM गवर्नमेंट PG कॉलेज पिथौरागढ़ में केमिस्ट्री विभाग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हैं। तो मैं सर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना व्याख्यान। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे रहेगा। दीज आर द रिएक्शंस बिटवीन एरोमेटिक कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। सपोज लेट one compound is simplest molecule benzene, this benzene treated with any electrophile giving reagent. Suppose let CH3Cl in the presence of catalyst, suppose let AlCl3, this should be anhydrous and product is toluene and side product is HCl. ये एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जिसमें कि बेंजीन को हमने एक ऐसे कंपाउंड से ट्रीट किया है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट देने की पॉसिबिलिटी है और कैटेलिस्ट की प्रेजेंस है। जो कैटेलिस्ट जो है एक लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, उस तरह के एसिड कैटेलिस्ट हमने यहाँ पे ले रहे हैं और प्रोडक्ट जो होगा वो प्रोडक्ट हमें जैसे यहाँ पे बना हुआ है टॉलवीन और साइड प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इस तरह की रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उनमें आप मैकेनिज्म कैसे देखेंगे। सबसे पहले जो रिएजेंट है वो किससे रिएक्शन करेगा जिससे कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो, उसके बाद वो इलेक्ट्रोफाइल किससे रिएक्शन करेगा, सबस्ट्रेट में कैसे रिएक्शन करेगा। अगर आप ये सब स्टेप देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैकेनिज्म आनी चाहिए आपको। तो आज हम आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म में कैसे डील करनी है वो क्लियर करेंगे। इस रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा हमारा, जो हमने एक रिएजेंट लिया हुआ है और जो कैटलिस्ट लिया हुआ है उन दोनों की आपस में रिएक्शन करेंगे। CH3Cl प्लस AlCl3, इन दोनों की रिएक्शनों से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जाएगा। जो इलेक्ट्रोफाइल इतना रिएक्टिव स्पीसीज के रूप में काम करेगा जो कि सबस्ट्रेट को जो है सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो पहला स्टेप है जेनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, इट मींस इलेक्ट्रोफाइल का उत्पादन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा उसको जरा आप दोबारा से आप देखेंगे। एक बार AlCl3 को हम पूरा ऐसे लिखते हैं जिसमें कि जो है तीन कोवेलेंट बॉन्ड है। तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद, ये तीन सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद भी Al में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी बनी हुई है क्योंकि Al के पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। इट मींस अभी भी Al को दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। वो दो इलेक्ट्रॉन वो इस Cl को लेके जो है कंप्लीट कर सकता है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि आगे क्या बनता है। CH3 में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज मींस CH3 के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है क्योंकि CH3 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया है और वो Cl उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के Al के पास चला गया है। तो AlCl3 अब बन जाएगा हमारा AlCl4 में नेगेटिव बन जाएगा। जो यहां पे CH3 पॉजिटिव बना हुआ है, इस CH3 पॉजिटिव को हम कार्बोनियम आयन बोलते हैं। कार्बोनियम आयन इसलिए बोला जाता है
कि पॉजिटिवली चार्ज जहां पर भी स्पीसीज केमिस्ट्री में आपको मिलेगी उसमें लास्ट में लगेगा ईएम, तो बिकॉज ऑफ कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव दैट्स व्हाई कार्बोनियम, पूरा इसको बाय नेम इसको बोला जाएगा तो मिथाइल कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला वो एक कंपाउंड है जो कि एज ए इंटरमीडिएट बना हुआ है। ये जो कंपाउंड हमारा बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज की वजह से काफी रिएक्टिव भी होगा, काफी सक्रिय मॉलिक्यूल होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, इट मींस ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा स्टेप इसका होगा बेंजीन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड जो इस रिएक्शन में है उसमें पहले स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है उस इलेक्ट्रोफाइल की आप रिएक्शन करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर कहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर किसी रिएक्शन को नाम देना है तो बहुत आसान है, आप ये देखिए कि उस कंपाउंड में कौन अटैक कर रहा है, जो भी स्पीसीज अटैक कर रही होगी उसके बेस में उस रिएक्शन को नाम दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ये CH3 पॉजिटिव यहां पर बना हुआ है ये इस बेंजीन में कैसे अटैक करेगा, क्योंकि CH3 पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये पाई बॉन्ड जो यहाँ पे बने हुए तीन पाई बॉन्ड हैं, बिकॉज ऑल दीज थ्री आर इक्विवेलेंट, तीनों के तीनों पाई बॉन्ड बेंजीन में इक्वल रूप में अवेलेबल हैं, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा नहीं है, तो ये CH3 पॉजिटिव यहाँ पे कहीं पर भी अटैक कर सकता है। कहीं भी ये नहीं हमने देखना है कि ये ऑर्थो है, ये पैरा है, मेटा है, कुछ नहीं है, जब तक बेंजीन में कोई भी सब्स्टिट्यूशन पहले से सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ना हो तब तक ऑर्थो पैरा मेटा कुछ भी नहीं होता है। तो ये CH3 पॉजिटिव किसी पाई बॉन्ड को लेकर के एक कार्बन में शिफ्ट करेगा, और उस पाई बॉन्ड को जैसे वो एक कार्बन में शिफ्ट करेगा तो वो CH3 पॉजिटिव वहां पे ऐड हो जाएगा और एक कंपाउंड हमें मिलेगा जो कि इस प्रकार है। हमने देखा कि इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पर बने रहेंगे। इस CH3 पॉजिटिव ने इस पाई बॉन्ड को किसी एक पर्टिकुलर कार्बन में शिफ्ट किया तो दैट्स व्हाई दिस पॉजिटिव अटैच ऑन दिस कार्बन। यहां पे आप देखते हैं पहले से ही हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन यहां पर रहेंगे, हाइड्रोजन यहां पर भी होंगे, उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे क्योंकि पाई बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हुआ दैट्स व्हाई दिस वन गेट पॉजिटिव चार्ज। दिस स्पीसीज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाउ। ये कार्बन जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 चार सिग्मा बॉन्ड इससे अटैच हैं, तो ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से इस रीजन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस दीज ऑल फोर सिग्मा बॉन्ड्स दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए ये थर्ड स्टेप में अपने को किसी स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज करना चाहेगा। तो नाउ थर्ड स्टेप में जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये जो फर्स्ट स्टेप में AlCl4- नेगेटिव बना हुआ है इससे रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चाहेगा कि मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में चेंज हो जाए, तो इसके लिए हमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन AlCl4- नेगेटिव से करनी है जो कि फर्स्ट स्टेप में बना हुआ है हमारा CH3।
10H हियर पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। कोई भी रिएक्शन तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक कि ये जो कैटलिस्ट आपने दिया है ये सच आपको वापस न मिल जाए। अभी हम देख रहे हैं कि पहले स्टेप में कैटलिस्ट का यूज हुआ और वो कन्वर्ट हुआ है AlCl4 नेगेटिव में, तो नाउ AlCl4 नेगेटिव नीड टू बी चेंज इनटू AlCl3। तो उसके लिए थर्ड स्टेप में AlCl4 इससे रिएक्शन कर रहा है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स से, तो होता क्या है AlCl4 के अंदर जो आपका Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा है, अब उसको समझने के लिए पूरा हम इसको बनाएंगे Cl। तो यहां पे ये जो Cl नेगेटिव कोई भी एक एक्स्ट्रा आ गया है जो उसको हम एज सच ऐसे वापस करेंगे, तो इस तरह से ये Cl नेगेटिव यहां पर से H पॉजिटिव अपने साथ लेकर के और ये वाला जो C और H के बीच का बॉन्ड है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा और ये H पॉजिटिव और ये वाला Cl नेगेटिव मिल करके हमारा HCl बन जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं मेन रिएक्शन में एक साइड प्रोडक्ट था वो बन गया है और AlCl3 हमारा वापस हो गया है और जो प्रोडक्ट हमारा बना वो प्रोडक्ट टॉलवीन के रूप में डबल बॉन्ड और ये CH3। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो इसी तरह से बहुत सारी और भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं जो हमें एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ने को मिलती हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा नाइट्रेशन, ये नाइट्रेशन भी हमारी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सल्फोनेशन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसी तरह से क्लोरीनेशन। इसके अलावा हम लोगों ने बीएससी और या एमएससी में जो हम लोग पढ़ते हैं अधिकतर केसेस में फ्रेडिल क्राफ्ट रिएक्शन भी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर है, फ्रेडिल क्राफ्ट रिएक्शन तो अब इसके बाद वाला स्टेप हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जो ये नाइट्रेशन है वो नाइट्रेशन में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, नाइट्रेशन में कौन होता है इलेक्ट्रोफाइल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज का जनरेशन, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है। अगर मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में अगर हम बताएं नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, डिटेल में आगे बताया जाएगा आपको। सल्फोनेशन में SO3 जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, क्लोरीनेशन में Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। फ्रेडिल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है, जैसे एल्काइलेशन है और दूसरा जो है एसाइलेशन है। तो अगर एल्काइलेशन की बात आती है, तो CH3 पॉजिटिव टाइप की स्पीसीज जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी, लेकिन अगर बात आती है एसाइलेशन की तो इसमें काम करेगा CH3C OO पॉजिटिव, ये स्पीसीज होगी। तो नेक्स्ट हम बताएंगे आपको नाइट्रेशन में डिस्कस करेंगे। In this reaction, any aromatic compound, suppose like benzene, treated with HNO3, nitric acid, in the presence of H2SO4, sulfuric acid, then final product is
nitrobenzene. This one is the final product, and the side product is H2O. Now, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? सबसे पहले कौन अटैक करेगा? जैसे कि पहले हमने पोर्शन में देखा, शॉर्ट में हम आपको अगर बताएं, HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन होकर के एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा. ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में अटैक करेगा, तभी जाके एक प्रोडक्ट बनेगा. तो नाउ डिटेल में पहला स्टेप मैकेनिज्म का, HNO3 का पूरा स्ट्रक्चर हमें बनाना होगा, जिससे कि हमें यह समझना हो कि कैसे NO2 पॉजिटिव इसमें बने, कैसे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो, और H2SO4 का क्या रोल होगा. उसके लिए भी जो है हमें H2SO4 का पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा. HNO3 को अगर हम देखें तो HNO3 ऐसे बनाया जाता है, पूरा HO डबल बॉन्ड O एंड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड HNO3. इस पर रिएक्शन हमने करनी है H2SO4 की. तो H2SO4 यहां पर एज ए कैटेलिस्ट काम कर रहा है, तो H2SO4 HNO3 को H पॉजिटिव देगा, बिकॉज H2SO4 एक्ट एज एन एसिड. H2SO4 H पॉजिटिव इसको देगा, तो H पॉजिटिव O पे, इस O पे या इस O पे या इस O पे, तीन O में से कहीं एक जगह पर लग सकता है. तो क्योंकि O पे हमारा लोन पेयर रहता है, यहां पर भी O पे लोन पेयर है, यहां पर भी O पे लोन पेयर है. ये H2SO4 इस O को एक H पॉजिटिव डोनेट करेगा. तो जैसे ही ये H पॉजिटिव इस O को डोनेट किया जाता है, तो इस O पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये H2SO4 जो है अपने को कन्वर्ट करेगा HSO4 नेगेटिव में, HSO4 नेगेटिव. नाउ इमीडिएटली आफ्टर दिस, ये जो स्पीसीज यहां पर बनी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है O पे, ये क्या करता है, ये O जो है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये O और N के बीच के बॉन्ड को अपनी ओर इंट्रैक्ट करता है, अपनी ओर को खींचने लगता है. तो जैसे ही ये O और N के बीच का बॉन्ड अपनी ओर खींचेगा O, तो H2O आउट हो जाएगा, -H2O, और जो NO2 बनेगा, क्योंकि ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट किया है, तो दैट्स वाई N जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो इसको पूरा हम लिखते हैं NO2 पॉजिटिव. तो ये जो NO2 में पॉजिटिव आया है, यही एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इसीलिए नाइट्रेशन को भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन. और ये एक्ट करेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल का. कोई भी ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी, और यहां पर N ने पॉजिटिव चार्ज लिया है NO2 में, दैट्स व्हाई दिस वन कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, और ये नाइट्रोनियम आयन कहा जाएगा. सेकेंड स्टेप में जो नाइट्रोनियम आयन फर्स्ट स्टेप का इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट हुआ है, वो सेकेंड स्टेप में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा. किसी भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट में रिएक्ट करने के लिए पहले इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल को जेनरेट कराया जाता है. तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जेनरेट कर रहे हैं. अब इलेक्ट्रोफाइल जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो कि बेंजीन के रूप में यहां पर अवेलेबल है, उसमें अटैक करेगा, तो बेंजीन प्लस NO2 पॉजिटिव. अब जो यहां से सेकंड स्टेप की जो रिएक्शन होगी, ये सेम वैसे ही होगी जैसे इससे पहले वाली हमारी रिएक्शन थी, जिसमें हमने बेंजीन पर CH3Cl का रिएक्शन किया, उसी तरह की रिएक्शन यहां पर भी होगी. NO2 पॉजिटिव जो है पाई बॉन्ड, किसी भी एक पाई बॉन्ड को अब किसी एक कार्बन में शिफ्ट करके वहां पे अपना ऐड हो जाएगा, और इसको हम जो हमारे फैक्टर्स होते हैं मैकेनिज्म के, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के दौरान इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक, ये स्टेप्स जो हमारे हैं इफेक्ट के, ये इफेक्ट जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट.
क्योंकि जो पाई बॉन्ड हमारा शिफ्ट हुआ है वो NO2 पॉजिटिव के प्रेजेंस में शिफ्ट हुआ है। अगर NO2 पॉजिटिव नहीं होता तो ये पाई बॉन्ड हमारा शिफ्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होने के बाद NO2 पॉजिटिव पाई बॉन्ड को किसी एक कार्बन में शिफ्ट करके वहां पे खुद ऐड हो जाएगा NO2 पॉजिटिव, और H पहले से वहां पे होता है, और जहां से उसने पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया है उस कार्बन में हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये पाई बॉन्ड, ये और ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये अपनी जगह पर बने रहेंगे एंड दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो अभी अनस्टेबल है, क्योंकि अनस्टेबल होने के बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक न होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। एरोमेटिक न होने का कारण है कि इसमें हकल रूल फॉलो नहीं होगा, और एरोमेटिसिटी न होने की वजह से ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये काफी रिएक्टिव भी है, और रिएक्टिव होने की वजह से ही ये थर्ड स्टेप में दोबारा से पार्टिसिपेट करके अपने को मोर स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज करने की कोशिश करता है। तो देखिए क्या होता है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है ये फर्स्ट स्टेप में कोई चीज रह गई है तो उससे ये जुड़ेगा। हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल रिएक्शन में H2SO4 एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, तो पहले स्टेप में जब हमने H2SO4 का यूज किया तो हमारे पास वो अवेलेबल है अभी HSO4 नेगेटिव में। वो HSO4 नेगेटिव दोबारा से हमें चेंज करना है H2SO4 में। जब तक वो फिर से H2SO4 में चेंज नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। दैट्स व्हाई नाउ सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाउ रिएक्ट विद HSO4 नेगेटिव। सिग्मा कॉम्प्लेक्स NO2 H पॉजिटिव चार्ज प्लस HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन आयन एज ए H पॉजिटिव एंड दिस सिग्मा बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स द रिंग एंड फॉर्म ए डबल बॉन्ड एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NO2 प्लस H2SO4। नाइट्रोबेंजीन इज द फाइनल प्रोडक्ट। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप जो यहां पे थे, ये जितने भी अभी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किए हैं उन तीनों में एक ही जैसे हैं। फर्स्ट स्टेप ओवरऑल अभी हमने देखा, दोनों रिएक्शनों को अगर हम समराइज करें तो पहला स्टेप है जेनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तीसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो हर जगह पर आप देखिए इसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शनों को बनाना है। जो पहला स्टेप है, अगर आपने पहला स्टेप बना लिया जेनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट नहीं हो रहा है तो रिएक्शन का होना बहुत ही टफ हो जाएगा क्योंकि दूसरा स्टेप नहीं बनेगा। इसी तरह से हम बना सकते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में बेंजीन को हमने ट्रीट करना होगा H2SO4 के सामने, और यहां पर कोई बाहर से कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक H2SO4 का मॉलिक्यूल दूसरे H2SO4 के मॉलिक्यूल के लिए एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा। नाउ हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन। In this reaction, any aromatic compound treated with H2SO4 or concentrated H2SO4 or fuming H2SO4 also, so benzene treated with H2SO4, if this concentrated, then that will be better because of easy formation of an electrophile.
अगर आप इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में ना लेकर के डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है उसका जनरेट होना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम लेंगे। तो देन प्रोडक्ट विल बी SO3H और प्लस H2। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, जैसे हमने पहले देखा इससे पहले वाली रिएक्शंस में दो रिएक्शन हमने आपको बताई इलेक्ट्रोफिलिक की, तो उसी तरह से ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म में चेंज होगा क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में विदाउट एनी मैकेनिज्म इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। तो पहला जो हमारा मैकेनिज्म का स्टेप है उसमें H2SO4 का एक मॉलिक्यूल, अब H2SO4 का हमें यहाँ पूरा स्ट्रक्चर भी बनाना होगा क्योंकि आपको अगर बेटर केमिस्ट्री सीख ली है तो उसका स्ट्रक्चर भी आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक H2SO4 का मॉलिक्यूल हमने पूरा बना दिया है, इसी तरह से दूसरा H2SO4 भी बना सकते हैं, बट दूसरे को हमने केवल एज ए कैटलिस्ट यूज करना है तो उसको एज सच लिख सकते हैं। ये भी H2SO4 है, ये भी H2SO4, बोथ आर H2SO4। एक H2SO4 दूसरे H2SO4 के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। सपोज कि ये कैटलिस्ट है और ये मेन रिएजेंट है, तो ये कैटलिस्ट इसको H पॉजिटिव देगा, तो वो H पॉजिटिव जो है, जो ये पाई बॉन्ड वाले O हैं, जिनके पास की दो जो है लोन पेयर के रूप में अवेलेबल हैं, यहाँ भी अवेलेबल हैं, तो ये H प्लस इसको देगा, तो हमारा प्रोडक्ट जो पहला बनेगा वो ये बनेगा, S डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, OH और प्लस HSO4 नेगेटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज। इस O पे पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि इस H2SO4 ने एक H पॉजिटिव इस O को दिया हुआ है। अब जो O पे पॉजिटिव है वो क्या करेगा यहाँ पे, जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, तो इससे जो है नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो वो प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, एस ओ एच ओ एच डबल बॉन्ड O, और जो यहां पे जैसे ही S पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करता तो S पे पॉजिटिव आता, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर देंगे हम, और यहां पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये वाला H इसके पास चला जाएगा, यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा पहले स्टेप में भी ये H2SO4 ने H प्लस दिया, O के पास में गया, O पे पॉजिटिव आया, फिर उसके बाद हमने उसके आगे बढ़ाया स्टेप, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, जैसे S में पॉजिटिव आया O और H के बीच का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, तो उसकी वजह से जो है S और O के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और ये वाला H जो है इस O पे चला गया, तो O पे दोबारा से पॉजिटिव आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा वो ये है कि इस O पे जो पॉजिटिव आया ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो माइनस H2 हो जाएगा, वाटर इसमें से आउट होगा। तो जैसे ही ये S पे पॉजिटिव चार्ज आता है O और H के बीच का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, और जो ये HSO4 नेगेटिव है इसको हम अगर उसको भी साथ में लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि ऊपर HSO4 नेगेटिव लिख देंगे और नीचे वाटर आउट हुआ है वो लिख देंगे। HSO4 नेगेटिव जो है इस H पॉजिटिव को लेगा, वो खुद अपने को चेंज कर देगा H2SO4 में, और जो मेन मॉलिक्यूल है उसको देखिए जरा, वो मेन मॉलिक्यूल किस में चेंज हुआ, O तो यहाँ चला, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, H2 आउट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये बन गया हमारा SO3. तो आप पूरा अगर इसको रिपीट करें तो देखिए क्या हो रहा है, ये H2SO4 दोबारा वापस मिल गया आपको, तो इट मींस H2SO4 ने केवल काम किया है इस मॉलिक्यूल में से वाटर को आउट करने का, बाकी कोई काम उसका नहीं है। इट मींस वाटर आउट करने के बाद जो स्पीसीज इस H2SO4 में बचती है उस स्पीसीज को हम बोल रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो स्पीसीज हमारे किसकी तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब यही सल्फर ट्राइऑक्साइड जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है उसको हम बेंजीन में ट्रीट करेंगे, या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर हमें दिया है तो उसमें ट्रीट करेंगे। नंबर टू होगा बेंजीन प्लस SO3। अब यहां पे अटैक कैसे होगा उसको समझने के लिए SO3 को आपने पूरा बनाना पड़ेगा जैसे वहां बना हुआ था, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है,
सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बेंजीन में ट्रीट होगा तो कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन में शिफ्ट करेगा, जब ये पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन में शिफ्ट करेगा तो उसके बाद जो सल्फर जो है वो वहां पे अटैक करने की कोशिश करेगा, जब वो अटैक वहां पर करेगा तो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो हमें कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा मिलेगा जो कि पहले भी हम देख रहे थे कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स के रूप में था, वो यहाँ पर भी हमें मिलेगा, तो वो ये होगा डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज एस, डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, यहां पे एच पहले से है वो अपनी जगह बना रहेगा, तो ये दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एक स्टेप और बचता है जिससे कि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स अपने को एक स्टेबल मॉलिक्यूल पे चेंज करे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स को फिर से लिखना है और आपको बैक देखना है कि कोई ऐसी स्पीसीज तो नहीं बच गई है पहले स्टेप में जो कि जो हमें रिटर्न करनी हो। तो आपने देखा कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है एज ए कैटेलिस्ट भी हमारा काम कर रहा था, वो पहले स्टेप में ही हमें वापस मिल गया है, तो हमें कोई ऐसी चीज रिटर्न नहीं करनी है। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है कैसे प्रोडक्ट में चेंज होगा, थर्ड स्टेप में आप देखिए डबल बॉन्ड पॉजिटिव एच एस डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, दिस सिग्मा बॉन्ड शिफ्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव कार्बन एंड दिस विल गेट डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट करेगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव जो है इस सिग्मा बॉन्ड को अपनी ओर खींच रहा है तो जिससे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये एच आपका इसके पास में चला जाएगा, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड ओ OH। इट मींस जो हमने यहाँ पर SO3H लगाया था वही SO3H आपका यहाँ पर बन गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कहीं पर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो आपको बताना है SO3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर अधिकतर देखा गया है कि सल्फोनेशन में, क्योंकि आप देखते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट में SO3H लगता है, तो अधिकतर बच्चे SO3H को ही इस इलेक्ट्रोफाइल समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो H है वो बेंजीन रिंग से मिला हुआ H है, न कि H2SO4 वाला H है। तो ये सब चीजें हम आइसोटोपिक मेथड से प्रूव भी करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे हमें कि ध्यान देने की जरूरत है कि जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स को आप फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करते हो तो जो बेंजीन का जो एच है, बेंजीन रिंग में जो एच था वही एच जो है ओ के साथ में लगता है। ओके, दिस वन इज फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड।